x is equal to y by 4. This is your statement 1, or you can say assertion also. Statement 1, we are having f of x is continuous. X is equal to pi by 2. And statement 2, we are having f of x does not exist. Statement 2, f of x, limit x tends to pi by 2. F of x does not exist. अब आपने चेक करने हैं कि zinc फंक्शन जो sin x है वो कॉन्टिन्यूस है या नहीं है. तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हम ये इंटरवल देखेंगे कि हमारा जो x है that belongs to 0 to pi. 0 to pi में you know that first and second quadrants आपके कवर होते हैं. फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में जो आपकी साइन की वैल्यू आती है दैट लाइज बिटवीन 0 टू 1, क्योंकि वो आपकी जो वैल्यू है दैट इज पॉजिटिव. तो आप ये वैल्यू जो लेके चलोगे दिस विल लाई बिटवीन 0 टू 1. अब इसमें आप जो है कंसीडर करोगे यहाँ पे, क्योंकि हमें गिवन है कॉन्टिन्यूटी हमें चेक करनी है एट x इज इक्वल टू पाई बाय 2. तो जो आप इंटरवल लेके चलोगे दैट विल बी फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2 यूनियन पाई बाय 2 टू पाई. सो ये कॉन्टिन्यूटी हम चेक कर रहे हैं, मीन्स दिस इज फॉर द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट. अब जब आप लेके चलोगे इसको तो इट मींस जब आप zinc लोगे sin x का, क्योंकि 1 से लेस है 0 से बड़ा है, तो zinc ऑफ sin x जो आपका आएगा यहाँ पे दैट विल बी 0. इसको आप क्या लेके चलोगे, इसको आप 0 लेके चलोगे. अब नेक्स्ट अगर हम लेके चलें कि क्योंकि लिमिट हम कहाँ पे चेक कर रहे हैं पाई बाय 2 पे, तो लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 जो है ऑफ sin x दैट विल बी इक्वल टू 0. और अगर आप इसको चेक करो कि अगर हम इसको चेक करते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 हमारा जो मॉड ऑफ zinc ऑफ sin x है ये हमारे पास 0 आ रहा है, इट मींस जो हमारी स्टेटमेंट 2 यहां पे गिवन है कि लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 f ऑफ x जो है डज नॉट एग्जिस्ट, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. ये अगर हम स्टेटमेंट लेके चल रहे हैं तो ये हमारी स्टेटमेंट फॉल्स है. मोर ओवर अगर हम f ऑफ पाई बाय 2 कैलकुलेट करते हैं तो f ऑफ पाई बाय 2 यानी कि sin ऑफ पाई बाय 2 दैट इज इक्वल टू 1. तो नहीं, f ऑफ पाई बाय 2 जो है आपका वो 1 आ रहा है, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 zinc sin x एंड f ऑफ पाई बाय 2 जो है दीस बोथ आर अनइक्वल, इट मींस जो आपका फंक्शन है दैट इज नॉट कंटीन्यूअस. स्टेटमेंट 1 हमारा क्या कह रहा था कि f ऑफ x इज कंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू पाई बाय 2, स्टेटमेंट 1 हमारा फॉल्स हो गया. स्टेटमेंट 2 हमारा क्या था कि जो ये है आपका लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 f ऑफ x जो है वो डज नॉट एग्जिस्ट है. तो अगर हम इसको भी लेके चलें तो ये भी हमारा जो है ये फॉल्स बन रहा है, यानी कि फंक्शन हमारा assertion स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स. हालांकि ये ऑप्शन अकॉर्डिंगली हमें गिवन नहीं है. अगर इस तरह का स्टेटमेंट बनता है तो आपके पास एक ऑप्शन ई आता है साथ में, जिसमें मेंशन होता है स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, बोथ आर फॉल्स. Now moving on to the next one. Next, in the next question we are having f of x is equal to x into 1 plus e to the power 1 by x or and 1 minus e to the power 1 by x. Ab f of x hamara change ho gaya. F of x is equal to x into 1 plus e to the power 1 by x upon 1 minus e to the power 1 by x. x is not equal to 0 and f of x हमें given है f of 0 is equal to 0. Statement 1 है ये हमारी, this is continuous at x is equal to 0 and statement 2 we are having a function is said to be continuous at a if both the limits exist and r equal to f of a. F of x is continuous at x is equal to a if LHL and RHL both the limits exist
and equal to f of a. अब हमने क्या चेक करना है, यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी हमने इसकी चेक करनी है. x into 1 plus e to the power 1 by x upon 1 minus e to the power 1 by x. Left hand limit, right hand limit आप चेक करोगे. अभिषेक, will you try this left hand limit or right hand limit? आप मुझे बताएंगे इसकी. This type of question you have already done in your NCERT. साथ में x जो है वो आपका extra बीच में कह लो कि add हो गया है. Any one of you can try. You can unmute yourself and tell me the left hand limit and right hand limit. Will you try? मैं डायरेक्ट ले रही हूँ. लिमिट h टेंड्स टू जीरो क्या हो जाएगा? जीरो फ्रॉम माइनस साइड. This will be 0 minus h into 1 plus e to the power 1 upon minus h, 1 minus e to the power minus 1 upon h हो जाएगा. 1 upon 0 minus h करेंगे. What is this equal to? Minus h into 1 plus 1 by e to the power 1 by h. 1 minus e to the power 1 by h. अब h को जब आप 0 पुट करोगे ये infinity बनेगा and 1 upon infinity is 0. Defined हो गया function. और यहाँ पे जब आप h को 0 पुट करोगे 0 into anything is 0. ठीक है, तो left hand limit आपकी क्या आ गई? 0. Right hand limit same way में what will be that equal to? That will again be equal to 0. सेम वे में करोगे. लेफ्ट राइट हैंड लिमिट जब आप लोगे तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो फ्रॉम प्लस साइड एच इनटू वन प्लस ई टू द पावर वन बाय एच अपॉन वन प्लस ई टू द पावर वन बाय एच. फंक्शन डिफाइन करने के लिए क्या करोगे? ई टू द पावर वन बाय एच कॉमन ले लोगे न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर में से, वो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा. या आप ऐसे भी कह सकते हो कि ई टू द पावर वन बाय एच से आपने डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर दिया. क्या आएगा यहाँ पे सिंप्लीफाई करके? क्या क्यों? हाँ यहाँ ये e to the power minus one by h plus one upon e to the power minus one by h minus one हो गया, तो plus one हो गया. अब यहाँ मैंने कोई गलती की है? क्या गलती की है? Online students, on in the right hand limit, I have made one mistake. What is that? You are to point out. What mistake I have made on the right hand in the solution of right hand limit? Any one of you can unmute and tell me what is the mistake in RHL. This shows how attentively you people are sitting. RHL अच्छे से check करो. I have made one mistake. Compare it with f of x given. Where is the mistake? Tell me that part. यहाँ पे माइनस है. नाउ यहाँ पे भी माइनस आ गया. अब यहाँ पे अगर मैं ऐसे लिख दूं तो यहां से सॉल्व हो जाएगा इंस्टेड ऑफ कि मैं एल वो लेके चलूं. सेम वही चीज बन गई यहाँ पे भी. e to the power 1 by 0 infinity, 1 upon infinity is 0. This also 1 upon infinity is 0.
जीरो इंटू एनीथिंग इज जीरो, तो आपकी जो राइट हैंड लिमिट आई दैट इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो. मोर ओवर आपको जो एफ ऑफ जीरो गिवन है दैट इज ऑल्सो जीरो. तो हमारा assertion या statement one अगर हम कहें कि ये था आपका statement one, this was your statement two. One के accordingly statement one में वो क्या कह रहे हैं कि f of x is equal to this is continuous at x is equal to zero. Left hand limit equal to right hand limit equal to f of zero, तो function continuous है, यानी कि statement one is correct. अब statement two वो क्या कह रही है, f of x is continuous at x is equal to a if left hand limit and right hand limit exist and both are equal to f of a. Statement 2 is true or false? True hai, left hand limit equal to right hand limit equal to f of a. So assertion bhi true hai, statement 1 bhi true hai, statement 2 bhi true hai. So option a will be your answer. Now moving on to the next one. Consider the function f of x is equal to x square. ये वर्बली आप मुझे बताओ ओरली. आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन दिस बिकॉज इजी है ये थोड़ा. स्टेटमेंट वन है हमारी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन. ये हमें फंक्शन गिवन है. दिस इज नॉट द स्टेटमेंट. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर if x is greater than equal to 1 and this is x plus 1 if x is less than 1. Statement 1 hai hamari f is not derivable at x is equal to 1. As limit x tends to 1 from minus side is not equal to limit x tends to 1 from plus side. And statement 2 says if a function is derivable at a point A, then it is continuous at A. If a function is derivable ye result aapne kiya hua hai, this is the standard result. So statement 2 hamari correct hai. हमने किया हुआ है कि एक स्टेटमेंट अगर डेरिवेबल है तो वो कॉन्टिन्यूस होगी ही होगी. बट अगर एक स्टेटमेंट कॉन्टिन्यूस है तो दिस इज नॉट श्योर कि वो डेरिवेबल होगी ही होगी. इट मे और मे नॉट बी डेरिवेबल. बट अगर वो डेरिवेबल है तो कॉन्टिन्यूस होगी ही होगी. इट मीन्स स्टेटमेंट टू हमारी करेक्ट है. अब हमें स्टेटमेंट वन को चेक करना है. एफ इज नॉट डेरिवेबल at x is equal to 1 as limit x tends to 1 from minus side f of x not equal to limit x tends to 1 from plus side f of x. तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे. अगर वो कॉन्टिन्यूस नहीं होगी तो डेरिवेबल भी नहीं होगी. तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी इसमें, सिंपली वैल्यूज पुट करके बताओ. लेफ्ट हैंड लिमिट मीन्स फंक्शन ये लेके चलना पड़ेगा, x को 1 पुट करोगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट 2 आ गई. अब राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन एक्स स्क्वायर तो क्या आ जाएगा, ये 1, 2 एंड 1 बोथ आर अनइक्वल. तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है, कॉन्टिन्यूस नहीं है तो डेरिवेबल भी नहीं होगा. तो एफ इज नॉट डेरिवेबल एट एक्स इज इक्वल टू 1 एज लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 फ्रॉम माइनस साइड एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 फ्रॉम प्लस साइड एफ ऑफ एक्स. लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट. तो हमारा एसर्शन भी ट्रू है, स्टेटमेंट 1 भी ट्रू है एंड स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो ट्रू बिकॉज दिस इज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट. सो जो हमारा ऑप्शन ए है दैट विल बी द आंसर. Now the next question. इसमें अब हमें स्टेटमेंट वन गिवन है. Now you can see कि जितने भी ये आपके questions बन रहे हैं सारा का मतलब सारी चीजें जो है ऑलमोस्ट दीज आर गिवन इन योर बुक. अब नेक्स्ट है हमारे पास स्टेटमेंट वन है ये. इफ e टू द पावर एक्स वाई प्लस log of xy plus cos of xy plus 5 is equal to 0, then dy upon dx is equal to minus y upon x. And statement 2 hai, d upon dx of xy is equal to 0 implies that dy upon dx is equal to minus y upon
पहले ऊपर वाला देखें, डेरिवेटिव लें इसका क्या आएगा, फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव e टू द पावर एक्स वाई प्लस लॉग ऑफ एक्स वाई प्लस कॉस ऑफ एक्स वाई प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो हमें गिवन है. वी आर टू फाइंड इट्स डेरिवेटिव. सो डिफरेंशिएटिंग क्या आएगा, e to the power x y as it is into derivative of x y plus log x y का log का derivative 1 upon हो गया into derivative of x y plus cos का derivative minus sign into derivative of x y plus 5 का derivative 0. So this is equal to 0. अब d by dx of x y हर एक में कॉमन है, ये हम बाहर ले लेते हैं. ब्रैकेट में हमारे पास रह गया e to the power x y plus 1 by x y minus sine of x y and this is equal to 0. अब ये टू टर्म्स का प्रोडक्ट बन रहा है. अगर हम देखें फर्स्ट टर्म ये है, सेकेंड टर्म ये है, ठीक है. अब ये वाली जो हमारी टर्म है, क्योंकि इसमें e to the power something आपका ऐड हो रहा है, you know that e to the power something जो है that is never equal to zero. It means ये हमारा जो overall result आएगा that will never be equal to zero. तो ये चीज zero होगी, then only this product will be equal to zero. तो अब इसको जब हम equal to zero put करेंगे, d by dx of x y is equal to zero. क्या आएगा इसका derivative? X as it is derivative of y plus y as it is derivative of x is 1 equal to 0. यहां से क्या आ गया, dy upon dx, this is equal to minus y. ये x आपका इधर से इधर चला जाएगा, तो this is minus y upon x. Statement 1 क्या कह रही थी, if this is equal to 0 then derivative of this is minus y upon x. तो ये हमने show कर दिया, यानी कि जो हमारी assertion है that is true. अब सेकंड वाले में वो क्या कह रहा है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो अगर हमें गिवन है, देन डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स. ये चीज भी आ गई यहाँ पे, यानी कि स्टेटमेंट 1 भी ट्रू है, 2 भी ट्रू है, बोथ आर ट्रू. तो ऑप्शन ए जो है दैट विल बी योर आंसर, ठीक है. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. नाउ द स्टेटमेंट 1 वी आर गिवन एज derivative of tan inverse secant x plus tan x this is given to be equal to derivative of cot inverse cosec x plus cot x and x belongs to 0 to pi by 4. Statement 2, secant square x minus tan square x is equal to cosec square x minus cot square x. If you observe the statement 2 carefully, this is the result that you have done in the 10th standard. Kiya hua hai, yaad hai kuch? Identities ki thi trigonometry mein. हाँ जी, टेंथ में 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा. स्टेटमेंट 2 आई एम टॉकिंग अबाउट. सीकेंट स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर इज 1, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इज अगेन 1, 1 इज इक्वल टू 1. स्टेटमेंट 2 आपकी करेक्ट होगी. अब स्टेटमेंट 1 पे आइए, ये हमारी करेक्ट है. स्टेटमेंट 1 अब हमने चेक कर लिया, क्या करेंगे स्टेटमेंट 1 के लिए. tan inverse है, इट मीन्स पहले हम इसको देखें कि ये सिंप्लीफाई हो सकता है इन टर्म्स ऑफ tan ऑफ सम एंगल, ठीक है. तो हम क्या करेंगे, पहले इसको अलग अलग सिंप्लीफाई कर लेते हैं. tan inverse ऑफ, मैं यहाँ पे पहले secant x plus tan x को रीराइट कर रही हूँ. दिस कैन बी रिटन एज 1 अपॉन cos x प्लस sin अपॉन cos
ठीक है, कॉस और ये आ गया साइन। वन प्लस साइन की टर्म्स में मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, तो मैं साइन को क्या कन्वर्ट करूंगी कॉस के अंदर, तो ये मेरा बन जाएगा वन प्लस कॉस 90 माइनस थीटा, ये भी 10th में किया हुआ है आपने, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किए हुए हैं, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, सेम चीज हमने यहाँ पे यूज कर ली। अब वन प्लस कॉस टू थीटा दैट इज इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर, हाफ ऑफ द एंगल लेके चलते हो तो ये क्या बन जाएगा टू कॉस स्क्वायर हाफ ऑफ द एंगल यानी कि पाई बाय फोर एंड एक्स बाय टू, इनका हाफ कर दिया, पाई बाय टू का हाफ हो गया पाई बाय फोर और एक्स का हाफ इज एक्स बाय टू। Got this step? अब denominator में sin 2 theta का formula लगा लोगे, that is 2 sin theta cos theta. So this will be 2 sin pi by 4 minus x by 2 cos pi by 4 minus x by 2. 2 से आपका 2 cancel हो गया, cos square से ये cos वाली term cancel out हो गई. What we are left with? Cos upon sin. Cos upon sin is cot. So, ये आ गया मेरे पास cot of pi by 4 minus x by 2. मुझे किस टर्म्स में चाहिए ये? tan की टर्म्स में चाहिए, तो क्या करेंगे इसको tan में कन्वर्ट करने के लिए, अगेन कॉम्प्लीमेंट्री यूज कर लेंगे, tan में कन्वर्ट हो जाएगा ये, इस साइड आ जाओ आप। हाँ जी, हाँ तो उसमें आना था ना, वो रेसिप्रोकल में आना था, फिर कैंसिलेशन नहीं होती, अगर टेन इनवर्स वन अपॉन टेन है तो यू कैन नॉट कट इट आउट, आप उसमें फिर मल्टीप्लाई मतलब प्री मल्टीप्लाई या पोस्ट मल्टीप्लाई जो भी हम कहते हैं वो नहीं कर सकते, तो इसको आपको टेन में कन्वर्ट करना पड़ेगा इन द न्यूमिरेटर। ठीक है, अब पाई बाय टू माइनस पाई बाय फोर इज पाई बाय फोर माइनस इंटू माइनस इज एक्स बाय टू, तो ये मेरे जो ये चीज थी this can be written as rewritten as tan inverse tan of pi by 4 plus x by 2. अब ये आपका रिमूव हो जाएगा, what we will be left with pi by 4 plus x by 2, यानी कि जो हमारी अब स्टेटमेंट बन जाएगी डेरिवेटिव ऑफ pi by 4 plus x by 2, क्या आएगा इसका डेरिवेटिव, पाई बाय फोर इज अ कॉन्स्टेंट, एक्स बाय टू का डेरिवेटिव विल बी हाफ। ठीक है, अब हमें इसी वे में इसका चेक करना है, तो इसको हमें रीराइट करना है इन टर्म्स ऑफ कॉट, क्या करेंगे अब, सेम स्टेप्स फॉलो होंगे। हाँ जी, वन प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, क्या आएगा नेक्स्ट स्टेप, वन प्लस कॉस थीटा इज हाफ ऑफ द एंगल, सो दिस विल बी टू कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू, साइन एक्स का टू साइन हाफ ऑफ द एंगल, कॉस हाफ ऑफ द एंगल, कॉस और कॉस अगेन कैंसल, टू से टू कैंसल, व्हाट वी आर लेफ्ट विद कॉट एक्स बाय टू, तो ये हमारा जो है ये रीराइट हो गया, d upon dx of cot inverse cot x by 2. Again, ये चीज़ remove हो जाएगी. What we are left with d by dx of x by 2. So d by dx of x by 2 is 1 by 2. तो both are equal. अगर ये दोनों equal आ रही हैं, assertion भी true है, statement 1 भी true है, statement 2 हम already कह चुके हैं कि true है. Is statement 2 a correct explanation of this? No. तो स्टेटमेंट वन इज ट्रू, स्टेटमेंट टू इज ट्रू, बट स्टेटमेंट टू इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट वन, सो ऑप्शन बी विल बी योर आंसर। ठीक है, क्लियर है बच्चे, इफ एनीवन इज हैविंग एनी डाउट इन दीज क्वेश्चंस देन यू कैन आस्क, किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लो। Now moving on to the next question. Next में हमें वो कह रहे हैं कि
In the next question, we are given statement one. If y is equal to cot inverse, one plus x root x, upon root x minus x, then dy upon dx is equal to minus 1 upon 1 plus x square plus 1 upon 2 root x into 1 plus x. And statement 2, derivative of tan inverse x is 1 upon 1 plus x square, and derivative of 1 upon tan inverse x is 1 plus x square. क्या करेंगे? Cot inverse है, इसको cot की terms में लिखना है, तो क्या करेंगे? फॉर्मूला बन रहा है ये कॉट वाला अंदर समथिंग, वन प्लस एक्स रूट एक्स अपॉन रूट एक्स माइनस एक्स. पुट एक्स इज इक्वल टू कॉस फाइव एंड रूट एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा. फाइव क्या आ जाएगा? कॉस इनवर्स एक्स. And theta will be, ठीक है. अब क्या करें? पुट कर देंगे यहां पे, क्या आ जाएगा? cot inverse इसके इक्वल होता है. cot ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला किया हुआ है, वन प्लस cot a cot b प्लस वन में ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज नहीं किए हुए. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी वन ऑफ यू इसको ना यहाँ पे, क्योंकि वन प्लस कॉट चाहिए हमें, तो कॉस की जगह कॉट पुट करो. मेक दिस कॉट, क्योंकि फॉर्मूला आपका वन प्लस कॉट ए कॉट बी की टर्म्स में होता है, तो यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला आपका लग जाएगा. अब याद आया कुछ? वन प्लस कॉट ए कॉट बी अपॉन कॉट ऑफ ए माइनस कॉट ऑफ बी. ऊपर प्लस होता है कॉट में, तो फॉर्मूले में क्या होता है? साइन उल्टा होता है, माइनस होता है. तो क्या बन जाएगा ये? कॉट ऑफ फाइव माइनस थीटा. फाइव माइनस थीटा बनेगा कि थीटा माइनस फाइव बनेगा, ये भी चेक करो. ठीक है, चलो. अब ये cot inverse और cot cancel out हो गया. What we are left with, y is equal to phi minus theta. Phi किसको represent कर रहा है? cot inverse x को. और ये किसको represent कर रहा है? cot inverse root x को. अब वो कह रहे हैं अगर y ये है तो dy by dx ये आए, यानी कि अब हमें क्या करना है? इसका derivative लेना है. cot inverse x का derivative माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर. टैन इनवर्स का वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है, कॉट इनवर्स में आ गया, कॉ वाला आ गया तो नेगेटिव साइन लग जाएगा. अब माइनस कॉट इनवर्स रूट एक्स का क्या बनेगा? रूट एक्स का स्क्वायर इज एक्स. अब रूट एक्स आपका फर्दर डिफरेंशिएबल है, तो इंटू डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स. क्लियर? अब चेक करो कि जो स्टेटमेंट वन हमें गिवन है, इज दैट करेक्ट? ये सेम आ रही है यहाँ, दिस इज डी वाई बाई डी एक्स, सेम है. असर्शन ट्रू हो गई. अब रीजन चेक करो,
डेरिवेटिव ये 1/1 + x² होता है, ये चेक करो इज इट करेक्ट. डेरिवेटिव ऑफ 1/tan-1x इज दिस 1/1 + x² नॉट 1/, इज दिस इक्वल टू 1 + x² किसके इक्वल आएगा? कैसे लोगे इसका डेरिवेटिव 1/tan-1x का? हाँ, या पावर ऊपर ले जाके नेगेटिव करके सिंप्लीफाई कर दो. ठीक है, कर लोगे अब ये? तो assertion इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, तो ऑप्शन सी विल बी योर आंसर. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इफ एनी डाउट इज देयर इन टुडेज लेक्चर यू कैन आस्क, बिकॉज वी आर हैविंग 1 मिनट लेफ्ट, सो वी वॉन्ट बी एबल टू डू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आई होप नाउ द क्वेश्चंस आर ऑलमोस्ट क्लियर टू यू हाउ टू डू the questions of assertion and reasoning. Today I will send you mixed questions of assertion and reasoning of all the chapters of this term 1. So you are to do the practice of that questions also. So with this, today's lecture is over. Thank you. Have a nice day.